प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ वो समय बताने वाला हूं जब परम पिता परमात्मा आप सभी के लिए अपने द्वारों को खुल के रखते हैं। कौन सा समय आपको तांत्रिक क्रियाओं के लिए या टोने टोटके करने के लिए उपयुक्त है, या कौन सा आज का सबसे शुभ मुहूर्त है। साथ ही साथ बताऊंगा कुछ ऐसे उपाय जो आपकी पूरी जिंदगी को धन संपत्ति बरकत से भर देंगे, अगर आप उन उपायों को आजमाते हैं तो। इस सब चीजों को जानने समझने और परखने के लिए आज का यह मेरा वीडियो अंत तक अवश्य देखते रहिए। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र और सितारे, आइए सबसे पहले देखते हैं आसमान में विभिन्न ग्रहों की स्थिति, जो आपके पाप और पुण्य कर्म जो आपने इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में किए हैं उसके आधार पर आपको शुभ फल या अशुभ फल देते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा वृष राशि में राहु महाराज के साथ विराजमान है और यहाँ चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा। राहु के साथ आते ही वो बलहीन हो जाएंगे और आपको शुभ फल देने से वंचित हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर राहु महाराज जो है वक्री हैं। और जो अगला जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है तुला राशि के अंदर। यहाँ पर शुक्र देवता ऑलरेडी विराजमान हैं, जबकि बुध देवता इस स्थान को छोड़कर वृश्चिक राशि में जा चुके हैं। वृश्चिक राशि में ही पहले से ही सूर्यदेव और केतु महाराज दोनों विराजमान हैं। अब केतु जो है सूर्यदेव को ग्रहण लगाते हैं, सामने से राहु लगा रहे और केतु साथ में बैठकर उनको ग्रहण लगाएंगे, यानी सूर्य को बलहीन कर देंगे। साथ ही साथ बुध का यहां आना बुध के मरने जैसा हो जाता है, केतु बुध को मार डालता है, सूर्य को अंधा कर देता है, बुध को मार डालता है। साथ ही साथ ये स्थिति खतरनाक हो जाती है। यहां पर केतु महाराज जो है वक्री हैं, और जो हम बात करें बृहस्पति देवता मकर राशि में नीच के होकर विराजमान हो गए, और यहीं पर शनिदेव महाराज विराजमान है अपने ही घर में। मंगल देवता मीन राशि में विराजमान है। तो यहां से ये सभी ग्रह जैसे जैसे इनका खुद का समय चल रहा होगा उसी के अनुसार, और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं उनके अनुसार आपको समय समय पर दंडित करते हैं या शुभ फल प्रदान करते हैं, और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के बूते पर। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज है विक्रम संवत 2077, 30 नवंबर सन 2020। परम पिता परमात्मा जो द्वार खोलने वाले हैं आपके लिए वो समय रहेगा 3:23 से लेकर 5:10 तक सुबह का समय है। इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वाला समय, जिनको लोग अविचार कर्म के लिए, षट कर्म के लिए या तांत्रिक क्रियाओं के लिए या जादू टोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो समय है 10:51 से लेकर 12:10 तक। ये दिन का समय है, और साथ ही साथ जो राहु काल में भी इस कार्य को किया जाता है तो वो समय रहेगा 8:14 से लेकर 9:33, ये भी सुबह का समय है। जबकि आज का जो शुभ मुहूर्त है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए वो रहेगा 11:49 से लेकर 12:31 दिन के समय में। तो इस शुभ समय पर आप सभी प्रकार के शुभ कर्म करके अपने आप को धन धान सुख संपत्ति और संपदा से ओत प्रोत कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, आपकी बदौलत मेरा यह चैनल YouTube का वेरीफाइड चैनल तो है ही, साथ ही में 16.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बन चुका है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ज्ञान की यह गंगा निरंतर बहती रहे
उसके लिए अधिक से अधिक लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मेरे इस वीडियो को नित्य प्रति भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे आप गुरु दक्षिणा समझ के दे देना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए राशिफल बनाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है जेन्युइन ओरिजिनल राशिफल बनाने में। बकवास करने में तो कुछ भी, रात सोके उठो कुछ मर्जी बोल दो, फिर उसे वीडियो एडिटिंग के माध्यम से एक प्रॉपर तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है, जिसमें बहुत सारी स्टाफ की भी जरूरत होती है। और ये सब कार्य करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूँ मेष राशि वाले व्यक्तियों से। मेष राशि वाले व्यक्तियों में आपको लगातार पिछले काफी समय से बता रहा हूँ, आपकी राशि में बैठे हुए मंगल देवता अपनी राशि से 12th स्थान पर बैठने की वजह से कमजोर हैं, आपको उन फायदा देने में असमर्थ हैं। तो आपको मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करनी है विधि विधान से। साथ ही साथ मूंगे की अंगूठी पहनना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। यहाँ पर आपका कोई जो परिवारजनों के साथ कुछ उलझने के साथ साथ कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। और मैं यहाँ बात करूंगा आपका जीवन साथी फुल टू फुल आपको खुशियां देने का प्रयास कर रहा है, अगर आप शादीशुदा हैं। और नहीं है तो यहाँ एक रिश्ते की बात आकर मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिन लोगों की शादी की बात चल रही है या जिन लोगों ने अभी तक शादी के लड्डू नहीं खाए हैं। साथ ही साथ मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन बच्चों का मन किसी भी स्थिति में पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, तो ऐसे सभी बच्चे गारंटी से हर साल पहले से ज्यादा नंबर लाने के लिए और अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए हमारा एक छोटा सा उपाय करना है, साल में एक बार करना है। गारंटी से फायदा होगा, आप हमसे लिखवा के ले लीजिएगा, वरना आपने जो भी उपाय पर पैसा खर्च किया है वो मैं आपको वापस कर दूंगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और यहां पर देखिए आपकी राशि से अष्टम बैठे हुए सूर्य, केतु और बुध, ये तीनों ही यहां पर आकर खराब हो गए हैं और आपके आत्मबल को बहुत कमजोर कर रहे हैं। तो यहां इनको बल देने का, जो अच्छे ग्रह हैं जैसे सूर्य देव हैं, बुध देवता हैं, तो इनको बल देने का प्रयास करिए। इनको बल मिलेगा जब आप इनकी पूजा करते हैं, वही तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला सूर्य देव के लिए, बुध देव के लिए, और क्योंकि बृहस्पति नीच के हैं तो बृहस्पति का भी करना, क्योंकि वो आपके भाग्य के मालिक हैं, आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, तभी आप धन संपत्ति ऐश्वर्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके भाग्य का मसला है, तो एक मूंग की अंगूठी जो मैंने पहले बताई थी और एक पुखराज की अंगूठी, और आपकी आमदनी और कार्यस्थल यानी चाहे नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं हमेशा धन दान से भरा पूरा बना रहे, उसके लिए शनि भगवान का उपाय जरूर करते रहिएगा। चाहे पूजा करके उनको प्रसन्न करिएगा, चाहे तेल दीप चलाकर, चाहे पीपल के पेड़ पर जल देकर आप उन्हें प्रसन्न अवश्य करते रहिएगा। वो प्रसन्न तो आपकी नौकरी में कोई विघ्न बाधा नहीं, आपके व्यापार में दिन दुनी रात चौनी उन्नति वो चुटकी बजाते ही कर देते हैं। और यहां मैं बात करता हूं अपने ऊपर, आपको अचानक से खर्चा करना पड़ सकता है, सावधान स्वस्थ रहने का प्रयास करें, अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर से इत्यादि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। फिर भी अगर आप ज्यादा परेशान हैं, बिना किसी चीज के अपनी जन्म कुंडली दिखाकर हमसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से आमने सामने बैठकर। और साथ ही साथ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो अपने प्रेम संबंधों में मजबूती लाने के लिए, क्योंकि वो प्रेम संबंध इस समय बिल्कुल खराब है, सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, वही आपके प्रेम संबंधों को रोशनी प्रदान करते हैं, तो उनको बल प्रदान करने का प्रयास आपको मैं पहले ही कह चुका हूं। फिर भी अगर जो युवक युवतियां ज्यादा ही परेशान है, बिना किसी जगह वीडियो कॉल पर आपसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहूंगा वृष राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाली व्यक्तियों, आपका उलझने हैं दूर तो होती नहीं, तो आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, वही एक उलझनों को कम करने का तरीका है। कहते हैं एक बड़ी लकीर के आगे उससे भी बड़ी लकीर खींच दो तो सामने वाली लकीर छोटी हो जाती है, तो राहु की जो लकीर आपके मन मस्तिष्क में खींच गई है उससे बड़ी लकीर आप खींच दीजिए, उसके लिए कुछ नहीं करना है। शुक्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला या साथ साथ उनके रतन की अंगूठी मंत्र सिद्ध जागृत कराकर पहन लीजिए। नहीं मिलती है तो हमारे यहाँ से घर बैठे भी आप पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं, साथ ही साथ क्योंकि आपके भाग्य के मालिक भी बहुत खराब स्थिति में, तो उनके रतन की अंगूठी, साथ ही साथ आपके जो आमदनी के मालिक हैं वो बहुत खराब स्थिति में, तो उनके लिए भी कुछ उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी काफी सारी अड़चने, और अब वहां पर सूर्य बुध और केतु का इकट्ठा हो जाना जीवन साथी को एकदम उकसाने जैसा है,
तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपको कोई छुआछूत से संबंधित बीमारी होने की संभावना या कोई इम्पोटेंसी जैसी समस्या बन सकती है, स्त्रियों को स्त्री रोग से संबंधित समस्या उठ के खड़ी हो सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और प्रॉपर तरीके से इलाज कराने का प्रयास करें किसी योग्य चिकित्सक के द्वारा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा आपके भाग्य की बात, तो भाग्य को मजबूत करने के लिए शनि महाराज को जितना मजबूत रखेंगे अपनी जन्म कुंडली में, क्योंकि भाग्य की देवता तो शनि देव है आपके लिए, तो वो उतने ही मजबूत होकर आपको लाभ प्रदान करेंगे। कार्यस्थल के हालात के मालिक भी वही हैं, चाहे नौकरी की समस्या हो या व्यापार की समस्या हो, आपकी जो परेशानियों का हल शनिदेव के भगवान के पास है, तो उसकी चाबी जब शनिदेव भगवान के पास है तो आप किसी इधर उधर भटकने की कोशिश क्यों करते हैं। शनिदेव भगवान को प्रसन्न करिए ना, भाग्य के और आपकी नौकरी के दोनों के ही देवता शनिदेव हैं, तो जितना वो खुश उतना आपको वो खुश कर देंगे। बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। और बृहस्पति देवता, क्योंकि आमंदनी के देवता बने हुए, तो उनके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप उनको भी प्रसन्न अवश्य करें। और जो लोग इन सारी चीजें, इन ऐसी सारी पूजा के लिए इतना सारा समय नहीं निकाल सकते कार्य की व्यवस्था के कारण, वो बिना किसी चीज के इनसे संबंधित रत्नों की अंगूठियां मनसित प्राणपति जागृत कराकर प्रॉपर तरीके से धारण करें। चाहे तो घर बैठे हमारे यहाँ से भी अंगूठियां आप पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों को लेकर, तो आपके प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम बनी हुई है तो अपने प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, अन्यथा आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वृष राशि वालों, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी के होने की संभावना बनती तो है, लेकिन वो बनते बनते ही खत्म हो जाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ शत्रु हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, अपने शत्रु को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप हमारी मदद ले सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। यहाँ बात कर रहा हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, चिंता फिक्र आपका घर का वो बन गया है फितूर। हर समय एक चिंता खत्म होती है दूसरी चिंता इन दिनों शुरू हो जाएगी। ये 2021 तक की स्थिति है, चाहे राशिफल में डेली का बता रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति यहाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए 2021 तक ऐसे ही रहने वाली है। साथ ही साथ कोई अनावश्यक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपका मन पढ़ाई लिखाई में लग जाए तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया समय स्टूडेंट के लिए अपने जीवन में कुछ कर दिखाने का, तो अपना फोकस पढ़ाई लिखाई में करें, आपको अवश्य ही फायदा होगा और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। किंतु जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता वो बिना किसी जगह स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। यहां पर बात करना चाहता हूं स्वास्थ्य से संबंधित, लंग्स इन्फेक्शन, छुआछूत से संबंधित बीमारी और कोई सर्जरी की संभावना, ऐसी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, तो अपने आप को स्वस्थ रखने का और सतर्क रहने का प्रयास करें। जितना आप मजबूत होंगे उतना ही बीमारी आप पर अटैक करने में असमर्थ होगी। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए यहाँ बुद्ध देवता मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे। बुद्ध देवता की यानी पन्नी की मंत्र से अंगूठी या उसके व्रतन की मंत्र से अंगूठी, साथ ही साथ उनके बीच मंत्रों की एक माला नेत्रपति करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनको मीठे पानी का अर्ध चढ़ाएं, काले तेल हल्दी और रूली डालकर आपको अवश्य लाभ होगा। सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, उनके अंदर बल आएगा तो आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। यहाँ पर बात करूंगा आपके जीवन साथी का, तो उनके जीवन साथी के ग्रह नीच का हो जाने के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, जीवन साथी से वाद विवाद करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य के मालिक को मजबूत करिए। आपके भाग्य के मालिक हैं शनिदेव, शनिदेव जितने मजबूत होंगे उतना ही आपका भाग्य मजबूत होगा। कार्यस्थल के मालिक तो बृहस्पति देवता है और जीवन साथी के मालिक भी यहाँ बृहस्पति देवता बनते हैं आपकी राशि से, चंद्र राशि से, तो इनकी स्थिति क्योंकि खुद खराब हो गई है, खुद नीच की हो गई, तो इनको बल प्रदान करना बहुत आवश्यक है। और गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़वा सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा ऐसे लोग जो किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करते हैं उनकी धन संपत्ति ऐश्वर्य स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उनका अपमान चाहे पीठ पीछे करें, सोते समय करें, जागते समय करें या लोगों के सामने करें, तो आपको तो उसका दंड, आपको तो उसका शाप मिलेगा ही मिलेगा अगर आप किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करते हैं। और यहां मैं बात करना चाहता हूं कार्यस्थल पर किसी से झगड़ने का प्रयास ना करें। आमदनी को बढ़ाने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे इस समय उतनी ही आमदनी बढ़ जाएगी,
क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी मेहनत से, इस समय चाहे आप नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, तो दोनों चीजें उसी से कोरिलेट हो रही हैं। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपकी आमदनी में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। साथ ही साथ जब मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात करना चाहता हूं, तो आपके जो प्रेम संबंध है वो इस समय खूब फलेंगे फूलेंगे, खूब आनंद की अनुभूति कराएंगे। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों में खुशियां अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। किंतु जो लोग निराश हैं, वो वीडियो कॉल के माध्यम से बिना किसी चक्के हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में। तो जैसा कि दिखाई दे रहा, आपके जीवन साथी का ग्रह नीच का हो गया है। अब ये नीच का ग्रह जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो कैसे शुभ फल देगा? साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी के चांस बनते हुए नजर आ रहे थे वो भी खराब हो रहे हैं। तो इन स्थितियों को ठीक करने का प्रयास करिए। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, चांस तो खराब हो ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी मेहनत जाया ना जाए तो एक बार पहले अपनी जन्म कुंडली चेक कराने में आपका क्या चला जाएगा। तो आप एक जन्म कुंडली जो है प्रॉपर चेक कराएं, ताकि आपको पता चल सके आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। वैसे ही भूसके ढेर में लठ बजा रहे हैं आप, उससे क्या कुछ हासिल नहीं होने वाला। और जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल आप खाली सरकारी नौकरी की तैयारी में और उस पर खर्च कर पैसे खर्च करके अपने संसाधनों को खराब कर रहे हैं। तो एक बार जन्म कुंडली दिखाइए, और अगर कमजोर योग है तो उस योग को मजबूत करिए, ताकि आप शीघ्र सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों की स्थिति को अगर आप सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा। यहाँ आपका ग्रह अपना ग्रह राहु के साथ बैठ जाने की वजह से समझ लीजिए ग्रहण लग गया, और ग्रहण लग रहा है आमदनी के खाने में, तो आमदनी को तो नुकसान हो गई होगा। आपको ग्रहण लगना आपके आत्मबल को कमजोर कर देगा। तो आप जितना मजबूत होंगे, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा राशि रतन की अंगूठी पहन के रखो। पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग पहनते हैं, हमारे देश के टॉप 10 लीडर्स देख लीजिए, टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट देख लीजिए, टॉप 10 एक्टर एक्ट्रेसेस देख लीजिए, उनकी बहुत सारी फोटो जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको रत्नों की अंगूठियां उनके हाथों में वैसे ही दिख जाएंगी कि ये रत्न की अंगूठी है और ये फैंसी अंगूठी है। आप इमीडिएटली पहचान लेंगे कि ये रत्नों की अंगूठी पहनी हुई है, क्योंकि फैंसी तो फैंसी होती है, रत्नों की अंगूठियां फैंसी नहीं होती है। सिंपल एक रत्न लगा होता उस अंगूठी के अंदर, नॉर्मल तौर पर सिंपल ही होती है, कोई बहुत ज्यादा डिजाइनर अंगूठियां नहीं होती है, क्योंकि हमें उसे नजर से भी बचाना पड़ता है। रत्नों की अंगूठियों पर भी नजर लगती है, जब मकान को नजर लगती है, गाड़ी को नजर लगती है, आपको नजर लगती है, तो फिर अंगूठी को भी तो नजर लगती है। तो इसलिए हम उसे ज्यादा फैंसी नहीं बनवाते हैं, नॉर्मल सिंपल अंगूठी बनवाकर उसे धारण करते हैं। यहाँ पर आपकी माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है। और जो स्टूडेंट हैं उनसे कहना चाहूँगा, फोकस करियर बनाने पर, पढ़ाई लिखाई पर करें। हालांकि ये समय 2021 तक का आपके लिए ठीक नहीं है, बार बार कोई ना कोई अड़चन आपको परेशान करेगी, क्रोध है कि इतना लग रहा है कि इसे उठा के फेंक दो, उसे उठा के तोड़ दो, तो अंततः हालत तो ठीक नहीं है। तो अपने क्रोध को कंट्रोल करने का प्रयास करें। और जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर जन्म कुंडली दिखाएं, और जो वैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MBBS का हो, चाहे MD का हो, चाहे सुपर नेचुरल का हो, चाहे CA का या इंजीनियरिंग का हो, या MBA की पढ़ाई कर रहे हैं या MBA की तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जब लाइफ में अड़चन आती है तो उस अड़चन को दूर करने के लिए, अगर पढ़ाई में अड़चन आ रही है तो उसकी अड़चन को दूर करना चाहिए। चाहे आप चौथी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे CA कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को जब मजबूत करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। हम गारंटी से आपको ना सिर्फ हर बार पहले से ज़्यादा नंबर दिलवा सकते हैं, अपितु आपका मन भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई की ओर लगा सकते हैं छोटे से उपाय के द्वारा। और यहाँ जीवन साथी की बात करूँ तो आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियाँ बोलने का प्रयास करें। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति का नीच का होना कहीं ना कहीं कोई अड़चन भी देगा। जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही थी उनमें बाधा आती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ तय हो जाने के बावजूद भी अचानक से बाधा उत्पन्न हो जाएगी, सावधान रहें और प्रॉपर उपाय करें। जिन लोगों को अभी तक शादी के लड्डू खाने को नहीं मिले, उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी जन्म कुंडली प्रॉपर किसी योग्य व्यक्ति को दिखाएं। मंदिर में बैठने वाले 80% जो ब्राह्मण होते हैं वो पूजा पाठ के महारथी होते हैं, मगर जन्म कुंडली की तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं होता। जब जबरदस्ती आप उनसे कहते हैं तो वो कह देंगे आपको व्रत रख लो, आप बृहस्पति देवता के केले के पेड़ की पूजा कर लो या पुखराज की अंगूठी पहन लो।
इससे आपकी शादी नहीं होगी, 2-4% केस में हो भी जाएगी, क्योंकि खाली बृहस्पति की अगर जन्म कुंडली में शादी के रास्ते में अड़चन हो तो वो जरूर आपको फायदा हो सकता है, बाकी केस में नहीं होगा। तब तक जब तक नहीं होगा जब तक आप उसके लिए प्रॉपर उपाय नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप प्रॉपर उपाय करके वीडियो कॉल के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं और उपाय भी घर बैठे पा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। साथ ही साथ बात करना चाहूंगा आप भाग्य की। जब कार्यस्थल का मालिक भाग्य में बैठ गया है तो भाग्य में तो वृद्धि होगी ही होगी, तो आपके भाग्य की वजह से आपके कार्यस्थल पर उन्नति के चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। आमदनी में क्योंकि ये ग्रहण लगा है जैसा मैंने आपको बताया था, तो सावधान रहें, अपने ग्रहण को तोड़ने का प्रयास करें पूजा पाठ के माध्यम से या उनसे संबंधित रत्नों की अंगूठियां पहनकर आप अपने इस ग्रहण को तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करूंगा अपने आप को बीमारी से बचाने का प्रयास करें। आजकल जैसे हालात हैं फिर से गंभीर हो रहे हैं, अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कैसे केयर करेगा, और आपकी लापरवाही आपका ही नहीं आपके परिवार वालों का, आपके जो नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, आपके जिगर के टुकड़े हैं, उनको भी बीमारी के जाल में धकेल सकती है और परेशानी खड़ी करवा सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही साथ बात करता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों में अचानक से कुछ होगा तो सही लेकिन वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो अपने प्रेम संबंधों को बल प्रदान करने के लिए आप वीडियो कॉल के माध्यम से न सिर्फ हमसे चर्चा कर सकते हैं बल्कि उपाय भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्ति देखो आपका अपना ग्रहण का शिकार हो रखा है राशि का मालिक, तो सावधान रहे। सूर्य भगवान के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला और रूबी की एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत की हुई अंगूठी आप धारण करें। चाहे तो ये अंगूठी घर बैठे हमारे यहाँ से भी आप अपना साइज बताकर अपने नाम की पूजा करवा कर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ जो आपके परिवारजन हैं वो निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी में आएंगे क्योंकि वो भी केतु की उसके शिकार होंगे, तो केतु का क्रोध आपके मतलब भारी पड़ने पड़ सकता है। लेकिन भाई जो हैं या आपकी जो बहन जो है आपको भरपूर मदद करेंगे किसी भी परेशानी में, किसी भी जरूरत पड़ने पर उस बात का आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ माता के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई परेशानी खड़ी हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, माता की देखभाल करें क्योंकि ये ग्रहण जो लगा है सूर्य बुध और केतु के बीच में वो माता के घर में ही आकर लग रहा है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनका अपना ग्रह नीच का हो गया है तो निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव देगा, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगेगा, ये काफी लंबी समय स्थिति उठापटक चलेगी। अभी बृहस्पति देवता के कभी नीच के होंगे, कभी ठीक होंगे, कभी फिर परेशान करेंगे, कभी बकरी होंगे, तो ये काफी समय तक ऐसी स्थिति बनने वाली है। कुछ समय के लिए ठीक भी होंगे बीच में, तो आप बृहस्पति देवता का उपाय करना ही पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट या वो सभी लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करें, उन उपायों को करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर हम जीवन साथी की बात करते हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, आपके स्वास्थ्य में भी कुछ अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, इसका विशेष रूप से ख्याल करें नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बात करूंगा अगर आपके रिश्तों की बात चल रही तो रिश्तों की बात टूट सकती है, बनी बनाई बात खराब हो सकती है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। और साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ आपके कार्यस्थल पर और आपके घर दोनों ही जगह पर आपके शत्रु हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए आप पूरा प्रयास करें। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेने से भी, जादू टोने टोटके का सहारा लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। एक दुश्मन होता है केवल मन में ठहरता है मैं इससे बात नहीं करता, चलो ठीक है इट्स ओके, वो आपको हार नहीं पहुंचा रहा, खाली आपसे नाराज है किसी वजह से लेकर आपसे बात नहीं करता, आपको देख के मूव हो लेता, तो उससे उसने कोई आपका बुरा नहीं किया ऐसा करके, किंतु एक दुश्मन है जो मित्र के भेष में या अड़ोसी पड़ोसी के भेष में और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरीके का टोना टोटका करने से बाज नहीं आ रहा, ऐसे शत्रुओं से सावधान है। अगर आप नहीं रह पा रहे तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट से बचने की भी संभावना है, वाहन ड्राइव करते समय बहुत सावधान रहें। भाग्य के मालिक का
खराब हो जाना आपके लिए परेशानी का सबब है। तो अपने राशि रत्न की, भाग्य के रत्न की, अपने आमंत्रण के रत्न की अंगूठी सदैव धारण करें, मन से प्राण प्रति जागृत करा कर, आपको अद्भुत फायदा देंगे और आपके जीवन में बहुत खुशियां प्रदान करेंगी, निरंतर आपको आगे बढ़ाएंगी। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, तो आपके प्रेम संबंधों में आई खराबी को ठीक करने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं करेंगे तो आप ही को परेशानी उठानी पड़ेगी। तो उन उपायों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा मैं अंगूठियों के बारे में, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो परेशानी का देता है। देखिए असली रत्न की अंगूठी है अगर मंत्र सिद्ध है तो आपको 3 वर्ष तक फायदा देगी, 3 वर्ष बाद आपको नई अंगूठी ही बनवाकर धारण करनी पड़ेगी। इसको दोबारा से सिद्ध करना जैसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि झूठी हो गई है तो झूठी चीजों पर मंत्र नहीं पड़े जाते या भोग नहीं लगाया जाता है, तो नई पहननी पड़ेगी। उपरतन की अंगूठी केवल 1 वर्ष कार्य करती है। तो जब आप इन रत्नों की अंगूठियों को पहन लेते तो ये आपके निश्चित रूप से धीमे धीमे करके आपके धन धान्य सुख शांति संपत्ति और सौभाग्य में वृद्धि करने में सहायक होती है। श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए। जो व्यक्ति सनातन धर्म में श्रद्धा रखकर इन अंगूठियों को अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए, अपनी विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए धारण करते हैं, उन्हें धीमे धीमे करके अवश्य फायदा होता है। किसी को तो मैंने 6 घंटे के अंदर फायदा होते हुए देखा है, किसी को 24 घंटे के अंदर फायदा होते हुए देखा, तो किसी को फायदा 3 महीने बाद शुरू होता है या 2 महीने लग जाते हैं शुरू होने में, लेकिन आपको आसार नजर आएंगे, आपके आसपास का माहौल आपको अच्छा लगने का, आपका चेहरा में चमक आ जाएगी, चेहरा ही बदल जाएगा जब आपको ये फायदा देना शुरू करेंगे। तो आप खुद आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, चेहरा बदल जाएगा, खुशियां आने लगेंगी और आपको लगेगा ये काम भी ठीक हो रहा है, ये भी ठीक होने लगा, धीमे धीमे ये भी ठीक होने लगे, अड़चन ये भी ठीक होने लगी, और बड़ी परेशानी भी आएगी तो आपको लगेगा ये क्या है, मैं इसे ठीक सॉल्व कर लूंगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है इन अंगूठियों का पहनने का फायदा। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। देखो कन्या राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह अब केतु के चुंबल में जाकर फंस गया है, ग्रहण लग गया है, तो यहाँ पर सूर्य देवता भी बैठे हुए हैं साथ में, तो सूर्य को भी ग्रहण लगा हुआ है, आपको भी ग्रहण लग गया है। केतु कायदे में तो बुध को मार ही डालता है एक तरीके से, तो आप जितने मजबूत होंगे पन्ने रतन की अंगूठी पहनकर आप सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। मंत्र सिद्ध जागृत की हुई पन्ने रतन की अंगूठी आपको बहुत मजबूत करती है। आपके भाग्य के लिए शुक्र देवता की अंगूठी आपको हमेशा मजबूत करती है, और बाकी तो जो परेशानी है उसके अनुसार आप उसकी संबंधित रत्न की अंगूठी पहनकर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ आपके परिवारजन आपको भरपूर लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की अगर बात कर रहे हैं तो उसके चांस खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, तो सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने से पहले ही आपको अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं, वरना व्यर्थ में प्रतन करके आप अपना समय और संसाधन दोनों ही खराब करते हैं। यहाँ पर आपकी माता का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, उनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो उनको नाराज करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा। किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना भी आपके लिए बेहद हानिकारक होगा। बेहतर होगा अगर आप बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों का और बुद्ध देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति विधि विधान के साथ करें। विधि विधान ईमेल के माध्यम से हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे, लेकिन बृहस्पति का नीच होना यहाँ पर परेशान कर सकता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, हमारा गारंटी वाला उपाय लेकर लाभ उठा सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। यहाँ पर जीवन साथी की बात करूं तो जीवन साथी का जो ग्रह है वो ग्रह अगर ठीक होता तो आपकी शादी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी कराने में समर्थ हो जाता। अभी भी प्रयास कर सकते हैं, अब बृहस्पति देवता को प्रसन्न करके अपनी शादी की तरफ आप चल सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्रेम संबंध को शादी में बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, बशर्ते उनकी नीचता भंग हो जाए। आप पूजा पाठ के माध्यम से उनकी नीचता को खत्म कर सकते हैं आपके लिए, बट ओवरऑल नहीं बात कर रहा हूं। तो आप उनका तांत्रिक बीज मंत्रों की माला का जाप करें, और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो अपने बीज जीवन साथी के क्रोध का विशेष रूप से ख्याल रखें, कहीं उनका क्रोध, जीवन साथी का क्रोध उनके लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। यहाँ पर भाग्य के हालात भी अनुकूल नहीं है। देखिए भाग्य में बैठे हुए राहु महाराज परेशानी देंगे, तो राहु की अंगूठी तो आप धारण करिए ही करिए, क्योंकि ये स्थिति अब 1.25 साल तक रफली, मतलब 2021 के बाद तक ऐसी ही रहने वाली है।
तो राहु महाराज की मंत्र सिद्ध अंगूठी भी आपके बहुत काम आएगी। कार्यस्थल के हालात, क्योंकि ये अचानक से ग्रहण लगाए और ये लंबा चलने वाला समय, तो आप कार्यस्थल के हालात को मजबूत करने के लिए पन्ने की अंगूठी ही काम आएगी। वो आपने ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। आमदनी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहाँ आमदनी के मालिक को भी ग्रहण लग गया है, तो चंद्रदेवता का स्मरण करें, उनको मीठी खीर का भोग लगाएं, आपको लाभ होगा। और यहाँ आपके प्रेम संबंधों की बात करूँ तो प्रेम संबंधों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ, कोशिश करिए उनको शादी में कन्वर्ट हो सकता है। कोई नए व्यक्ति की एंट्री होकर आपकी शादी में कन्वर्जन आ सकता है। तो साथ आप जो भी करें सोच समझ कर करें, अपना हित समझ कर करें। और जो भी व्यक्ति नौकरी और व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब ये पीड़ा बहुत सताएगी, तो गलती से भी पन्ने की अंगूठी पहनना ना छोड़ें। मतलब मंत्र सिद्ध पन्ने की अंगूठी अवश्य धारण करें, भाग्य के रत्न की अंगूठी अवश्य धारण करें, तभी आपकी नौकरी या व्यापार में लगातार सुधार होता रहेगा। बृहस्पति देवता वैसे तो बरकत के कारक बताए जाते हैं, तो बृहस्पति का उपाय भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उनका मंत्र जाप करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा कभी भी। जय शनिदेव। मैं गुरुजीत इटली से, मैं गुरुजी से आज से तकरीबन 8-9 साल पहले इंटरनेट के थ्रू उनसे मेरी बातचीत हुई थी, और मैं अपनी लव मैरिज के सिलसिले में उनसे बात की थी, क्योंकि जैसे मैंने, मेरी जो वाइफ है वो पाकिस्तान से है अब, तो गुरुजी की कृपा से मैंने मेरी जो शादी की अड़चने थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने मुझे अंगूठी पहनने के को सजेस्ट किया था, तो उनके कहने के अनुसार मैं जो सारे काम किए, मेरी काफ़ी जो मुश्किलें थी वो हल हुई। और उसके बाद फिर हमें अपना घर लेना था, और काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि मैं अपना घर खरीदना चाहता था। तो मैंने फिर दोबारा गुरुजी से बात की, तो उन्होंने फिर मुझे यही बात बताई कि गुरुजी तुम घबराओ नहीं। और जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे बताते गए, और उन्होंने मुझे जो अंगूठियां पहनने को बोली थी वो मैंने गुरुजी से बनवाई और पहनी, और उनका धीरे धीरे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा। और आज भी इतने साल बाद भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है जब से मैं उनके उनके टच में आया हूँ। मैं भी और मेरी वाइफ भी, हम दोनों ही जब भी कोई मुश्किल पड़ती है तो गुरुजी से सजेस्ट करते हैं, और उन्होंने हमेशा ही हमें अच्छे रास्ते बताए, और आज मैं बहुत खुश हूँ। जय शनिदेव। यहाँ बात करना चाहता हूँ मैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, देखो यहाँ जो हालात हैं, आपके राशि का मालिक आपकी राशि में बैठ कर आपको लाभ ही लाभ दे रहा है, किंतु परिवारजनों के साथ बहुत सारी अड़चन अचानक से शामिल हो सकती है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। वहाँ पर ग्रहण लग रहा है केतु सूर्य और बुध के बीच में, तो ये स्थिति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। फिर भी आपका सावधानी में ही सुरक्षा है। और यहाँ पर जो भाई बहन है वो आपको निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका ग्रह नीच का बना हुआ आपके साथ, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो मैं जब बात करता हूँ किसी भी खून के रिश्ते की, तो खून के रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। तो आपके अगर भाई बहन के बीच में प्रॉब्लम है, माँ बेटे या बाप बेटे के बीच में प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को, या पिता पुत्र के बीच में प्रॉब्लम है, तो ये खून के रिश्ते हैं, इन खून के रिश्तों को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। उनसे संबंधित छोटे से उपाय करके आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, हालांकि मैं पति पत्नी के रिश्ते को भी खून का रिश्ता जैसा ही समझता हूँ, इक्वली प्रीफ्रेंस देता हूँ, तो उन रिश्तों को भी ठीक किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। चाहे आपकी जीवन साथी के साथ कितना भी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, उनको आप सुधार सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के बारे में। तो भाग्य के मालिक, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ग्रहण लगा हुआ है, तो पन्ना रत्न की अंगूठी आपको बेहद लाभ देगी। अपना खुद का ग्रह राशि का मालिक मजबूत होगा तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। कार्यस्थल के हालात की बात करूँ तो कार्यस्थल को भी मालिक को ग्रहण लगा हुआ है, तो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, तो अप्स तो नहीं आएंगे, डाउन ही स्थिति बनेगी, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। इधर आमदनी के मालिक को भी ग्रहण लगा हुआ, तो यहाँ पर आमदनी में भी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए भी आपने सावधानी रहना है। तो ओवरऑल स्थिति आसमान में फिर से
एक खराब सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है तो वो सभी को इफेक्ट करेगी, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बनते बनते चांस खराब हो जाएंगे। तो ऐसे सभी लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उपाय करें ताकि उनको निराशा का सामना ना करना पड़े। और यहाँ बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों की, तो अगर आप माता का आशीर्वाद लेकर माता से बात करके माता से चर्चा करके अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल पर चर्चा कीजिए और घर बैठे अगर उपाय की जरूरत है तो हम यहाँ से ही उपाय आपको भेज देंगे या कर देंगे। यहाँ बात करता हूँ मैं वृश्चिक राशि वाले, देखो स्थिति और विकट हो गई। अब आपके सिर पर राशि के अंदर मतलब राशि से देखेंगे चंद्र राशि से तो आपके सिर पर ही ग्रहण लग गया। काल पुरुष की अगर राशि की कुंडली बनाएंगे तो सिर पर ही ग्रहण लग गया, केतु सूर्य बुध का वहां बैठ जाना अल्टीमेटली तीनों को ही खराब कर रहा है। सिचुएशन और गंभीर हो गई, तो आप अपने आप को मजबूत करें। आपका मालिक है मंगल, तो मंगल जितना मजबूत होंगे, बुध जितना मजबूत होंगे, सूर्य जितना मजबूत होंगे, आपको फायदा होगा। हालांकि केतु अल्टीमेटली आपके लिए तो दुश्मन नहीं है, मंगल वालों के लोगों के लिए, लेकिन जो ग्रहण बन गया तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम गंभीर ही बनेगी। सरकारी नौकरी की बात चल रही थी तो उसके हालात खराब हो जाएंगे या कोई अड़चन आ सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। यहाँ पर जो परिवारजन है उनका ग्रह क्योंकि खराब हो गया तो उनसे भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है या उनको परेशानी आ सकती है, तो उस हालात पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। भाई बहन पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपको मदद करने के लिए। माता का भी फुल टू फुल आशीर्वाद भाई बहनों के साथ मिलकर आपके साथ है। जो स्टूडेंट है फोकस पढ़ाई लिखाई पर ही करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, अपना कैरियर बना सकेंगे। जिन स्टूडेंटों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या कम नंबर आते हैं, हमारे गारंटी वाला उपाय करें, साल में एक बार करना है, गारंटी से ही फायदा होगा, हम लिख के दे सकते हैं आपको। और यहाँ पर बात करता हूँ जीवन साथी से संबंधित, तो जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है वहाँ उनकी शादी के रास्ते में रिश्तों की जो बातचीत चल रही थी वहाँ फिर से अड़चन आने की संभावना है, एक यात्रा की भी संभावना है। चाहे आप शादीशुदा क्यों ना हो लेकिन उलझने तो रहेंगी ही रहेंगी, फिर जीवन साथी के साथ उलझने आएंगी। यहाँ भाग्य की जो बात करते हैं तो भाग्य के देवता को भी ग्रहण लगा हुआ है, राहु महाराज ने उनको घेर रखा है तो वो कमजोर हो गए हैं। तो भाग्य मजबूत नहीं होगा तो भाग्य के रत्न की अंगूठी धारण करिए, मतलब कार्यस्थल के मालिक को भी ग्रहण लगा हो तो कार्यस्थल से संबंधित भी रत्न की अंगूठी धारण करिए। चाहे ऑफिस में आप जॉब करते हैं या नौकरी व्यापार करते हैं, आपको रत्न की अंगूठी धारण करनी ही चाहिए। आमदनी की भी रत्न अंगूठी की धारण करेंगे तो उसको भी ग्रहण लगा हुआ है, यानी भाग्य कार्यस्थल और आमदनी तीनों जगह, यानी अल्टीमेटली क्या होगा, काम करेंगे काम व्यर्थ चला जाएगा, लोन कर्जा लेना पड़ेगा और वो कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो अपने आप को मजबूत करिए, अपने भाग्य को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए, विपरीत परिस्थिति से बाहर आने का कोशिश करिए। आप इनकी रत्नों की मन से अंगूठी पहनेंगे, जैसे कि हमारे देश के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पहनते हैं, उनको पहनकर फायदा उठाते हैं, आप भी उठाइए ऐसी अंगूठियाँ। प्रॉपर अगर मंत्र सिद्ध चाहिए आप हमारे यहाँ से साइज बताकर पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में। प्रेम संबंधों में क्रोध का समावेश मत होने दीजिए क्योंकि क्रोध प्रेम संबंधों को और ज्यादा खराब कर देगा। वैसे ही आपका प्रेम से संबंधित ग्रह जो है नीच का चल रहा है तो आपको प्रॉब्लम तो प्रेम संबंधों में आएगी ही आएगी। तो इन प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए बिना किसी के वीडियो कॉल बुक कराकर हमसे लाभ ले सकते हैं। और यहाँ बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्तियों की, तो धनु राशि वाले व्यक्तियों अब आपका ग्रह नीच का हो गया है तो नीच के ग्रह जो है कोई अच्छा फल नहीं देने वाले हैं और नीच का होकर वो आपके कुटुंब के खाने में चले गए तो कुटुंब से कोई परेशानी और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग उसमें भी आपके फेवर में रहेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, आपके भाई बहनों भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। माता का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, माता के क्रोध से बचना पड़ेगा, उनसे कोई झगड़ा नहीं डालना है किसी भी किस्म का। और जो स्टूडेंट हैं अगर माता का आशीर्वाद पर लेकर पढ़ने बैठेंगे तो वो पढ़ा लिखा सब काम आएगा आगे चलकर एग्जाम्स में, किंतु जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता वो हमारा गारंटी वाला उपाय करके लाभ उठा सकते हैं वीडियो कॉल पर चर्चा करने के बाद। यहाँ पर बात करूंगा श्वास से संबंधित, तो सांस से संबंधित ही बीमारी हो सकती है, सांस से संबंधित बीमारी से बचने का प्रयास करें। कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, अपने शत्रुओं को कंट्रोल करने का प्रयास करें। और बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके भाग्य की, तो भाग्य के मालिक को ग्रहण लगा हुआ है, कार्यस्थल के मालिक को ग्रहण लगा हुआ है, किंतु आमदनी का मालिक फुल टू फुल ठीक ठाक है तो वहां से आपको चिंता करने की अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है जब तक कि वो यहाँ पर बैठे हुए आमदनी में, तो वहां से आपकी आमदनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन आने वाली है ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो स्थिति और खराब होनी है अभी,
तो पहले से ही आप सावधान हो जाए तो उसके लिए आप अपनी राशि रत्न की, अपने भाग्य के रत्न की, अपने आवरणी और कार्यस्थल से संबंधित रत्न की अंगूठिया मंत्र सिद्ध प्राप्ति जागृत कराकर धारण करें। अपने जीवन साथी से अटकने का प्रयास न करें, समझ लें कि उनकी बुद्धि पर ग्रहण लगा हुआ है। और बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो अपने प्रेम संबंधों में अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी माता के से डिस्कस करिए। माता से डिस्कस करने से निश्चित ही आपको प्रेम संबंधों में लाभ होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे लाभ ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर चर्चा करके। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्ति देखो, आपका अपना ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, किंतु साथ ही बृहस्पति देवता भी राशि में आके बैठ गए। नीच के तो जरूर है, लेकिन चंद्र कुंडली में वो सिर पर बैठे, तो सिर पर बैठ के कुछ लाभ तो देते ही देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बृहस्पति देवता है, देवगुरु है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। और परिवारजन भी फिर आपको लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई बहन भी उनके क्रोध से जरूर बचिएगा, फिर भी उनसे लाभ हो सकता है। माता काशी वाली भाई बहनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने में है। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, उल्टा एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है पढ़ाई लिखाई को लेकर, जो व्यर्थ भी जा सकते, सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको निराशा हाथ लग सकती है। ऐसे सभी लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और पता करें कि सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। और जो आपका जीवन साथी है, क्योंकि आज एक मौका आपको दे रहा है, अपने प्रेम संबंधों को आप शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रयास करिए, विपरीत परिस्थिति में भी प्रयास करिए, आपके प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य के मालिक को ग्रहण लगने से आपकी स्थिति कमजोर होगी, किंतु कार्यस्थल के हालात अच्छे होने की वजह से आपका नौकरी या व्यापार में कोई भी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आमदनी के हालात है, भाग्य का रतन, भाग्य के देवता वहां बैठ जाएंगे जाकर, किंतु वहां लगा हुआ ग्रहण उन सबको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। तो बनते बनते काम या भाग्य में प्रॉब्लम आएगी, आमदनी में प्रॉब्लम आएगी, ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका अपने आप को मजबूत करना, राशि रतन की अंगूठी पहनकर भाग्य को मजबूत करना और आमदनी के सितारे को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका जीवन हमेशा आराम से गुजरता रहे। आराम पसंद तो आप है ही। और यहाँ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों में, तो प्रेम संबंधों में निश्चित ही राहु महाराज ने अड़चन खड़ी कर दी है, तो इस अड़चन को दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो हमारी मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सलाह दी जाती है कि बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला, बुद्ध देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करें विधि विधान के साथ। विधि विधान फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल के माध्यम से जो डिस्क्रिप्शन में है हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों हालात की गंभीरता से अब रूबरू बने रहिए, परिवारजनों के क्रोध से बचने का प्रयास करिए, माता से के क्रोध से भी या माता जो उलझने पैदा करेंगी उससे बचने का प्रयास करिए। घर पर और कार्यस्थल दोनों ही जगह पर शत्रुओं से बचने का प्रयास करिए, कि कोई ना कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेकर। ऐसे शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए आप बिना किसी झिझक के हमारी मदद लेकर लाभ उठा सकते हैं। और जो दंपत्ति हैं जिनकी संतान ही नहीं है, ऐसे सभी दंपति जो डॉक्टरों की दवा खा खा कर तक चुके हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपनी जन्म कुंडली दिखाकर लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 4-5 साल डॉक्टर की दवा खाते खाते हो गए हैं और संतान प्राप्त नहीं हुई है अभी तक, तो इसका मतलब हालात आपको इशारा कर रहे हैं कि आप संतान प्राप्ति के लिए डॉक्टरों का से ज्यादा सनातन धर्म के वैदिक उपायों पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टरों की दवा तो आप 4-5 साल से खा रहे हैं और कोई लाभ नहीं हो रहा, किसी को मिसकैरेज की समस्या हो रही है बार बार, तो किसी को गर्भधारण ही नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है भी या नहीं। अगर योग नहीं है तो फिर तो हम भी गोद लेने की ही सलाह देते हैं कि अपने खून के रिश्ते में किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, क्योंकि खून तो पुकारता है, खून तो आप ही का है, कहीं ना कहीं पीछे से लिंक तो आ ही रहा है। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप जैसा मर्जी चाहे करें। साथ ही साथ अगर संतान प्राप्ति का कमजोर योग है तो उस योग को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा मजबूत कर आपके जीवन में खुशियां खोली जा सकती हैं।
भाग्य भरपूर रूप से आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, मगर जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। उनकी सलाह कार्यस्थल के मामले में बिल्कुल मत मानिएगा, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर ही ग्रहण लगा हुआ है, यहाँ पर बुध सूर्य केतु के बीच में, तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा। कार्यस्थल पर ही लोग सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान नहीं करना है। किसी मेहनत मजदूरी करने वाले, रिक्शा वाले या सब्जी बेचने वाले, या जो पसीना बहाकर आपको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उन लोगों की बद्दुआएं मत लीजिएगा। उनको कम पैसे देकर ही मिलती है नेचुरली, या उनसे आप बदतमीजी करेंगे तो बद्दुआ देते हैं वो लोग, तो उनकी बद्दुआ उनको मत लीजिएगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के बारे में बात करूँ तो आपके प्रेम संबंधों में ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, तो उस ग्रहण को तोड़ने के लिए आप अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करने हैं। आपने अपनी जन्म कुंडली वीडियो कॉल के माध्यम से हमें दिखाकर और छोटी सी पूजा के द्वारा आपको लाभ पहुंचाया जा सकता है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति, देखो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपका अपना ग्रह नीच का हो गया तो राशि रतन की अंगूठी तो अत्यंत आवश्यक है। राशि रतन की अंगूठी के साथ अगर आप भाग्य के रतन की अंगूठी और कार्यस्थल के रतन की भी अंगूठी धारण करेंगे तो आपको और अधिक लाभ होगा। यहाँ पर को रोकिएगा, भाई बहनों के साथ कुछ उलझनों के साथ कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, माता के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सावधान रहें। स्टूडेंट हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, तो ऐसे सभी माता पिता अपने बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए हमारी छोटी सी हेल्प लेकर छोटा सा उपाय वैदिक उपाय करके लाभ उठा सकते हैं, गारंटी से फायदा होगा। और यहाँ बात करना चाहता हूँ उन सभी माता पिताओं से जो अपने नालायक संतान की वजह से दुखी हैं, जो संतानों का अपमान करती है, बेइज्जती करती है, चाहे वो संतान 15 साल की है या 55 साल की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सभी माता पिता अपनी संतान को कंट्रोल करने के लिए, दोबारा प्रेम जागृत करने के लिए उसके मन में उससे संबंधित छोटा सा उपाय करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। ये उपाय आपकी कुंडली को देखकर, और जिन लोगों पर कुंडली नहीं है उनको प्रश्न कुंडली के माध्यम से चेहरा देखकर उपाय बताया जा सकता है, उनके लिए छोटी सी पूजा करके उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। यहाँ बदनामी से बचने का प्रयास करने का पूरा प्रयत्न करिएगा, वरना बिना बात की बदनामी आपको परेशान कर सकती है। भाग्य के हालात कतई ठीक नहीं है, भाग्य स्थल पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर सरकारी नौकरी की बात चली तो वो नौकरी खराब होती नजर आ रही है, नौकरी के चांस खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। आमदनी क्या है, वो कार्यस्थल के हालात ठीक नहीं है, उनको ठीक करने का प्रयास करें। आमदनी में ये जरूर कह सकता हूँ मिक्स रिएक्शन रहेगा, आमदनी में आपके ग्रह का बैठ जाना, चाहे वो नीच का भी है फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ख्याल हो गई होगा। और साथ ही साथ शनिदेव वहाँ अपने ही घर में बैठे हुए तो आपको लाभ प्रदान करेंगे ही करेंगे। प्रेम संबंधों के बारे में बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़े ग्रहण लग गया आपके तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो ऐसे सभी लोग जो प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बिना किसी झक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।